गर्मी का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से हम आपको बड़ी खबर शेखपुरा से बता रहे हैं, जहां देखिए स्कूल में 7 छात्राएं हैं जो बेहोश हो गई। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया और एसीएस के पाठक के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। भीषण गर्मी में स्कूल खोलने के आदेश का यहाँ विरोध किया जा रहा है। मनकौल उत्क्रमित स्कूल के पास लोगों ने प्रदर्शन किया और आदेश वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको शेखपुरा से बता रहे हैं, जहां एक स्कूल में 7 छात्राएं जो हैं वो गर्मी का शिकार हो गई, बेहोश हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया है। तो वही भीषण गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, स्कूली बच्चे लगातार बेहोश हो रहे हैं, जिलों के डीएम खुद फैसला नहीं ले रहे, हीट वेव के बीच स्कूल खुले हुए हैं। पहले हीट वेव को लेकर देखते हुए डीएम फैसला लिया करते थे। शिक्षक संघ ने सुमितीश कुमार से मांग की है कि इस पूरे मामले पर तुरंत ही एक्शन लिया जाए। तो बड़ी खबर आप बता रहे हैं, के पाठक का विरोध किया जा रहा है और एक्शन की मांग की जा रही है। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, अगर हम देखें तो हालात कहीं ना कहीं बिगड़ते चले जा रहे हैं, जो स्कूली छात्र हैं वो गर्मी से काफी परेशान हैं, छात्राएं बेहोश हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए अलग अलग जिलों से लगातार खबरें आ रही है कि जो बच्चे हैं वो बेहोश हो रहे हैं और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जा रहा है। बता दें आपको कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से जो अभी आंकड़ा जारी किया है वो चौंकाने वाला आंकड़ा है कि आज 45 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है और कल का जो तापमान है वो 48 डिग्री तक पहुंच गया है। यानी जो शेखपुरा है या फिर जो बाकी जिले हैं वहां पर अब जो है पब्लिक एक तरह से अब सड़क पर उतर आई है और सड़क जाम करके हंगामा किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो पेरेंट्स वो चाह रहे हैं स्कूल बंद रहे, क्योंकि निजी स्कूलों में गर्मी छुट्टी कर दी गई है लेकिन सरकारी स्कूलों में भीषण गर्मी में भी कक्षाएं संचालित हो रही है। किसी भी जिले के डीएम जो है वो अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं के पाठक के डर से, और डीएम तमाशबीन बने हुए हैं। इतने तापमान बढ़ने के बावजूद स्कूल चल रहे हैं, 1:30 बजे दोपहर में बच्चे घर लौट रहे हैं, शिक्षक भी बेहोश हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिलाधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए, के पाठक अपने आदेश से वापस नहीं आ रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार से भी लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लें, क्योंकि आने वाले वक्त में जो भीषण गर्मी है वो जानलेवा होगी और कई की जान भी जा सकती है। जी ठीक है रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ शिक्षक नेता राजू सिंह भी जुड़े हुए हैं। राजू जी, अब गर्मी की वजह से छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप लोग जो मांग कर रहे हैं उस मांग को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए गर्मी जो है 44 डिग्री से पार जो है तापमान पहुंच गया है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में छात्र और छात्राएं रोज जो है दर्जनों की संख्या में बेहोश हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग में बैठा हुआ जो हिटलर शाह है वह अपनी तानाशाही के कारण बिहार के छात्रों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। यह बिहार के लिए, बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के जो छात्र हैं वो देश के भविष्य हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बिहार के आम जनमानस को, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी को गोलबंद होकर के सरकार के इस तुगलकी आदेश का जो है विरोध करने की जरूरत है। यह किसी भी सूरत में छात्रों के स्वास्थ्य से कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजू सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए लगातार गर्मी की वजह से जो स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राएं हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं और इस वजह से उनकी तबीयत खराब होती चली जा रही है।